कमेंट सबको ठोकिए, सबको कमेंट ठोकिए तो, यस सर कमेंट ठोकिए जल्दी सर। जल्दी जल्दी यस सर बीसी हाँ हाँ चलिए सीयूटी को लेकर के आ गए हम। दिखाई दे रहा होगा चलिए। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको हम मात्र समय देते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर 10 सेकंड का समय देते हैं आपको। ए बी सी का करना है, ए बी सी आपको आंसर में ठोक दे रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, ए बी सी आंसर ठोकना है, जल्दी से आपको बताना है बस ये। यहां पर ये नहीं है समय, ये नहीं है, एक टाइम टाइमर देते हैं हम आपको, टाइमर टाइमर सबको देते, ये रहा टाइमर दे दिए, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी टाइमर टाइमर दे देते हैं। इसमें होगा थोड़ा सा टाइमर, टाइमर यहाँ पर स्टार्ट। चलिए 10 सेकंड का यस सर आपको बताना है आपको, उसके बाद 3 सेकंड हो गया। चलिए जल्दी जल्दी ऑप्शन ए, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए ना भारत में यूक्रेन स्थित हो रहा था तो हम आपको बता रहे थे। चलिए ना मैसेज कमेंट करिए, सब कोई कमेंट करते रहिए, ठीक है। हाँ तो पारा कैंसर ए हो जाएगा, चलिए पारा कैंसर ए हो जाएगा, ठीक है सही है ना। चलिए सब कुछ कुछ बातें हम करवा दिए थे, सब कोई आइए अब पढ़ते हैं। हाँ चलिए ठीक है ना, पारा कैंसर वो ए हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरका पर मारते हैं नजर, तो दूसरका क्वेश्चन देखिए आ गया, ठीक है दूसरका क्वेश्चन आ गया, जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जल्दी साहब, उसके लिए आपको टाइम हम देते हैं, ये दे दिए टाइम, ठीक है ना, टाइम यहाँ पर दे दिए, लेकिन बार बार इसमें कैसे तो सेटिंग करना पड़ रहा है। चलिए सेटिंग बार बार कैसे हो जा रहा है, अच्छा इसमें है। चलिए यहाँ से आपका हो गया टाइम स्टार्ट नाउ, ये रहा टाइम, टाइम हमने दे दिया, ठीक है ये हाँ, तो टाइम दे दिए, चलिए टाइम दे दिए, टाइम कैसे तो सेटिंग नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, ए ऑप्शन इसका, चलिए इसका भी ए ऑप्शन होगा। चलिए ठीक है, टाइम थोड़ा सा सेटिंग नहीं हो पा रहा है, जल्दी जल्दी बता दे चलिएगा यहाँ पर आपका क्या चल रहा है से, ठीक है ना। चलिए इसको छोड़ देते हैं, बाद में हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है ऑप्शन ए हो जाएगा ना, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, बता दिए थे, ठीक है वार्षिक माहिली बजट वाला था। चलिए तीसरा का क्वेश्चन मारिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा का मारिए सबको, ठीक है तीसरा क्वेश्चन मारिए जल्दी से मारिए। देख लीजिए क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर, ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन में, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ले लेते हैं रेड, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। देखिए सर का है, जुलाई अगस्त 2022 में प्रस्तावित 44वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 को मेजबानी भारत को कौन सी शहर करेगी, तो भारत का कौन सा शहर करेगा जल्दी से इसको बताइए, जल्दी से बताइए। तो तीसरा तीसरा का भारत का मतलब ये आप जो है 2022 में जो हुआ था उसका ये कौन सा करेगा, तो आपको बताना है जल्दी से बोलिए, ठीक है ना जल्दी, चलिए बताइए बताइए जल्दी से बताइए बताइए बताइए, ठीक है जल्दी से बताना है ऑप्शन सबका। चलिए सही जवाब आ रहा है, चलिए एक दो का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, अमित अलार्म, ठीक है अच्छी बात है सबका है सही है। चलिए आगे बढ़ते जाइए क्वेश्चन पर, आज थोड़ा सा नया नया है इसमें तो उतना पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा पता चला। तो चलिए 2022 में जो है व्हाइट शतरंज जो हुआ था, ठीक है शतरंज के लिए ओलंपियाड 2022 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर किया था, तो मैं बता दूं भारत का शहर जो किया था कौन सा, तो आपको याद रखना पड़ेगा वो किया था चेन्नई ना, कौन सा किया था चेन्नई किया था, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना।
चेन्नई ने किया था। अब आपको आगे बढ़ते हैं नजर, चलिए बताइए चेन्नई मतलब ऑप्शन सी होता जी, ऑप्शन सी होता, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन मारते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए आ गया आपके सामने, चौथा क्वेश्चन आ गया। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया। देखिए ये सवाल को आप थोड़ा सा समझना चाहेंगे तो कह रहा है कि किस राज्य सरकार, कोई ऐसा भी राज्य सरकार है मैंने किसी राज्य सरकारी चारों में से जो पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में, जो पहली बार उसका क्या था वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में था बाल बजट पेश किया था, ठीक है ना। वो कौन सी सरकार थी आपको बताना है जो बाल बजट जो पेश किया था, यानी ये देखिए मेन क्वेश्चन ये आपका जो बाल बजट पेश किया था, ठीक है मेन ये, तो आपको बताना है तो जल्दी से चलिए बताइए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका जल्दी से बताइए कौन सा होगा इसका ऑप्शन, मारिए जल्दी मारिए, ठीक है ना। चलिए चौथा का कौन सा, आइए बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। और देखिए चौथा का बाल बजट योजना किसने पेश किया था जी, जल्दी से बोलिए। ऑप्शन ए डी, किसका डी तो आ रहा है, जल्दी जल्दी बोलिए। अमित कुमार हरियाणा, अमित कुमार हरियाणा, ठीक है चलिए अमित कुमार हरियाणा है। उसके बाद देखिएगा है ना अपनी वर्ष, चलिए चलिए कोई बात नहीं। चौथा और क्या ये और का हरियाणा, तो मैं बता दूं चौथा के उस देश का नाम था क्या चीज, मतलब उस राज्य का क्या नाम था, वो राज्य था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाता जी, ठीक है ऑप्शन डी हो जाता, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होता, ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। और लोग आइए जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, कोई बात नहीं है। तो चलिए आगे कह रहा है किस राज्य में विश्व बैंक ने गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचाने में मदद करने की प्रयासों का समर्थन हेतु $125 मिलियन को लोन की पेशकश की है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा बैंक है, मैंने कह रहा किस राज्य में विश्व बैंक ने, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की विश्व बैंक, ये विश्व बैंक जो है वर्ल्ड बैंक है, गरीब और कमजोर समूह को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचाने में मदद करने की प्रयासों का समर्थन करने हेतु $125 जो था उस लोन पेशकश की है। तो इसमें से कौन सा आपको बताना है जल्दी से बताइए, ठीक है। क्या सिक्किम होगा, क्या मणिपुर होगा, क्या त्रिपुरा होगा, क्या पश्चिम बंगाल होगा, जल्दी से आप बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा ऐसा है जल्दी से बोलिए। ऑप्शन ए बी सी कुछ मार सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी है, ठीक है ना जल्दी से बोलेंगे आप एक बार बताइए सबको जो जो, ठीक है जल्दी से बोलिए ए बी सी, जल्दी से कमेंट आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए ताकि हमें भी लगे कि नहीं आप लोग भी तैयारी में है, ठीक है। आज भर थोड़ा सा हम चेक खाली कर रहे थे कि हमको लाइव करने आता है कि नहीं आता है, इस एक नया एप्लीकेशन है, ठीक है रहता है जल्दी से बताइए आप लोग जल्दी से बोलिए। तो हाँ ए बी सी जल्दी से मारिए, चलिए ऑप्शन बी एक का आया मणिपुर, ऑप्शन बी आया मणिपुर, और लोग ए बी सी कुछ लोग और लोग मारिए, कहाँ हैं आप लोग जल्दी से ना, सो गए क्या, जल्दी से मारिए एकदम, ठीक है ना। ये लाइव करने का सबसे बढ़िया हम आपको दिए हैं उपाय, जल्दी सा, ठीक है ना। अभी आपको बताना है ऑप्शन बी आ रहा है, एक दो का बी आ रहा है, बाकी लोग अब जल्दी सा सीयूटी की परीक्षा देना है तो कल से और थोड़ा सा चलेगा, ठीक है झकास तरीके से। हो गया, तो मैं बता देता हूँ इसका ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है ठीक है उसने कहा किया था गरीब और कमजोर समूहों को मदद करने के लिए कितना, तो $125 ना, या देखिएगा कितना, तो $125 का किया है गरीब और मजदूर को समूहों को करने के लिए $125 का उसने निर्माण किया, तो उसका नाम क्या है पश्चिम बंगाल, तो ऑप्शन कौन सा होता डी ऑप्शन होता आपका, ठीक है ना ऑप्शन डी होता जी। चलिए अगला क्वेश्चन पे मारते हैं नजर, ये रहा छठा क्वेश्चन, देखिए छठा क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से आइए सब कोई आइए, सब कोई कहाँ है सब कोई, ठीक है समय है, ठीक है यही कर रहे हो तुम लोग सब, यही कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ, ऐसे नहीं काम चलेगा बाबू, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है जल्दी से आ जाओ एकदम। पांचवा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने छठा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित को कब अपनाया गया, जो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग था ना, नेशनल जो आपका कैलेंडर था, नेशनल कैलेंडर, ठीक है भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कब अपनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी, आपकी परीक्षा में आ सकती है, राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया जल्दी से बताइए जी, जल्दी से बताइए
भारत में राष्ट्रीय पंचांग कब से हुआ बताना है आप लोगों को जी। ये क्या 1978 से हुआ कि ये बताइए जल्दी से बोलिए कि हाँ कि ये देख रहे हैं आप लोग कि 1900 कितना से हुआ 57 से हुआ। जल्दी से राष्ट्रीय पंचांग ए अमित कुमार का ये आया जी। जल्दी जल्दी फटाक फटाक से आइए अमित कुमार का ये आया। आगे बोलिए ठीक है। अब जल्दी से बताना है कि भारत में राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर कब से आया था। बोलेंगे बोलेंगे आप लोग बोल नहीं रहे आप लोग लाइव में ज्वाइन है लेकिन बोल नहीं रहे हैं। लाइव रहिए बाबू ऐसे नहीं काम चलेगा ठीक ना। जल्दी से बता दो बता दो बता दो हीरो बता दो ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कब से शुरू हुआ था उतना थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कुछ कारण है। अमित कुमार के ए बी का रहा है ए आया बी आया। जल्दी 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 ठीक है जल्दी से बताइए। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ राष्ट्रीय पंचांग कब हुआ था। वो हुआ था 1957 से यानी ऑप्शन कौन सा होता बी आपका सही जवाब होता ठीक है ऑप्शन बी होता जी ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए लीजिएगा सब कोई मार दीजिए बी ठीक है। चलिए कुछ लोग अच्छी बात है जितना नॉलेज है उसके अनुसार बोलते हैं। आज कल की क्लास आपकी बहुत ही भयानक किसी प्रकार से रोज रेगुलर चलते रहेगी। आज उतना आप लोगों का मतलब नहीं मिल पा रहा होगा क्वालिटी थोड़ा सा है कुछ कुछ तो है लेकिन टेंशन मत लीजिए जितना भी है सही है। एक बैग कहाँ से मिलेगा ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी अब आते हैं अगला क्वेश्चन मारते नजर। चलिए क्या कहता भारत का सबसे पहला आणविक केंद्र कौन सा था। क्वेश्चन देखिए भारत का सबसे पहले आणविक केंद्र ना भारत का सबसे पहले आणविक केंद्र जी ये बताना आपको आणविक केंद्र कौन सा था। जल्दी सा बोलेंगे जल्दी सा बता दीजिए भारत का सबसे पहले आणविक केंद्र कौन सा था बता दो बता दो बता दो हीरो ठीक है। जल्दी सा बताओ भारत का सबसे पहले आणविक केंद्र कौन सा था जल्दी सा बताइए आप लोग देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया भारत का सबसे पहले आणविक केंद्र कौन सा था जी ये आपको बताना है जी ठीक है। ऐसे मर मजाक में नहीं लेना है बात को। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग इस तरीके से मत करिए बोलिए जल्दी। ए बी सी आणविक केंद्र कौन सा था आपको बताना है। क्या रावत भाटा था या तारापुरा था या औरैया था या ट्रावे था आणविक केंद्र कौन सा था इसमें से जल्दी से बताना है इसको ठीक है। ए बी सी मारो सी ऑप्शन सी ठीक है और बोलिए ऑप्शन सी जल्दी से बोलते चलिए जल्दी से बोलिए आणविक केंद्र कौन था जी ठीक ना। अरे अंदाजी मारो यार कोई दिक्कत नहीं है जो तुमको आता है वही मारो हम कहाँ करेंगे तुम लोग सही है मारोगे ठीक है जो मार पाते हो मारो ठीक है ना। चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा तारापुरा ना ठीक है। आणविक केंद्र कौन था सा आणविक केंद्र आपका तारापुरा था जी याद रखिएगा। आणविक केंद्र कौन सा था तो तारापुरा था आणविक केंद्र सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से वीडियो नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए ठीक है ना। चलिए एक आध लड़के लोग खाली कमेंट कर रहे हैं बाकी लोग क्या कर रहे हो तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी सी आर डी। चलिए 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 सही है ठीक है। चलिए जल्दी से आ जाइए आ जाइए आ जाइए। भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है जल्दी से बताइए जल्दी से बोलो भारत के ऐसे कौन सा व्यक्ति है जिनको पहली बार भारत के पहला ऐसा अर्थशास्त्री कौन है मतलब इकोनॉमी है ना जो इकोनॉमिक्स लिखने वाले ऐसे कौन सा व्यक्ति है जिसको पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये तो अथी में भी आया था जी ठीक है वो वाला में था आपका है ना उसमें था आपका जी। जल्दी 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 जाइए चलिए जल्दी से मारिए जल्दी से मारिए ठीक है। हम भी देख रहे हैं बताना है आप लोगों को ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक है। नेट समाप्त हो गया कैसे नेट समाप्त हो गया हो ठीक है नेट समाप्त हो गया। चलिए जल्दी सा और लोग ठीक है। तो इसका होता भारत के ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको कहा था नोबेल तो उसका नाम था ये देखिए इसका सही होता है आंसर
अमृत सेन ना, अमर्त्य सेन होता जी, अमर्त्य सेन समझ आया, अमर्त्य सेन होता ना, ठीक। चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जब बढ़ेंगे तो देख लीजिए क्या है, बग बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। देखिए इतिहास का क्वेश्चन है जी, इतिहास का क्वेश्चन है, बग बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान की खान अब्दुल गफ्फार की सीएफ एंडर्स की चितरंजन दास ना, बग बंधु, ठीक है। चलिए जल्दी, ठीक है, बग बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, जल्दी से बताइए, ठीक है, बग बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, है ना, आप लोगों को बताना है जी, बग बंधु के नाम से के जाने जाते हैं। हाँ तो वो कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन ए होता जी, ऑप्शन ए होता, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 लास्ट, त्रिशूल है एक, त्रिशूल क्या है आपको बताना है जी, त्रिशूल एक है, त्रिशूल कहाँ है बताइए, त्रिशूल मिसाइल है कि लड़ाकू विमान है कि पनडुब्बी है, किनमें से कोई नहीं है, तो त्रिशूल कहाँ है बताइए। हाँ त्रिशूल एक प्रकार का मिसाइल है ना, त्रिशूल एक प्रकार का मिसाइल है ना, त्रिशूल एक प्रकार का मिसाइल नहीं है, मिसाइल है, हाँ मिसाइल कहा जा सकता है, त्रिशूल एक प्रकार का मिसाइल है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए आज 10 पर ही रखते हैं, थोड़ा सा लाइफ का सेशन लेट हो गया था, लेकिन कल से